हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता। युजवेंद्र चहल टीम इंडिया के ऐसे गेंदबाज हैं जिसके स्पिन बॉल के आगे विरोधी टीम के बल्लेबाज ढेर हो जाते हैं। तकरीबन 26 टी20 और उतने ही वनडे मैच खेलने वाले चहल ने 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ डेब्यू किया और आज वो टीम इंडिया के सबसे घातक गेंदबाज के तौर पर जाने जाते हैं। मैदान पर विरोधियों के छक्के छुटाने वाले चहल सामाजिक मुद्दों पर भी हमेशा अपने विचार रखते हैं और जानवरों से तो उन्हें खासा लगाव है कि उनकी सुरक्षा और उनके साथ हो रहे गलत व्यवहार पर हमेशा आवाज उठाते हैं। जानवरों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को लेकर चहल ने पहली बार सीधे देश के पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने वो बात कह दी जो समाज को शर्मसार कर देती है। पहले आपको ये बताते हैं कि पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में चहल ने क्या कहा। जब पेटा इंडिया ने मुझे बताया कि जानवरों के साथ क्रूरता और उन्हें मारने की सजा पशु क्रूरता अवरोधक कानून PCA 1960 के तहत मात्र 50 रुपए है, तो मेरा सिर चकरा गया। इन दिनों तो एक कप कॉफी भी इससे महंगी है। यह बहुत दुख की बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाय, कुत्ते और देश के दूसरे जानवरों के साथ रोजाना दुर्व्यवहार होता है। उन्हें मारा जाता है, जहर दिया जाता है, एसिड से अटैक किया जाता है और यहाँ तक कि उनके साथ यौन उत्पीड़न भी किया जाता है। हाल ही में हरियाणा में एक गर्भवती बकरी के साथ 8 लोगों के रेप करने का मामला भी सामने आया था। रेप के कारण चोटिल होने की वजह से उस बकरी की मौत हो गई थी। जानवरों के साथ क्रूरता की यह स्थिति इंसानों के लिए भी काफी खतरनाक है। रिसर्च के मुताबिक जो लोग जानवरों के साथ क्रूरता करते हैं वह ऐसा बार बार करते हैं और इसके बाद वह दूसरे जानवरों और इंसानों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर जानवरों के साथ क्रूरता करने वाले इन अपराधियों को सही जुर्माना, वक्त पर जेल और काउंसलिंग दी जाए तो यह उनके और जानवरों दोनों के लिए ठीक रहेगा। मैं गुजारिश करता हूँ कि जानवरों के साथ क्रूरता करने वालों की सजा कठोर की जाए ताकि ऐसे अपराध में कमी आए। वाकई में हैरान करने वाली बात है कि जानवरों से क्रूरता की सजा एक कप कॉफी से भी सस्ती है। हमारा समाज ये भूल जाता है कि जितनी तकलीफ हमें होती है उतनी ही बेजुबान जानवरों को भी। फिलहाल ये देखना बाकी है कि चहल की इस अपील पर पीएम मोदी कितनी जल्दी से कदम उठाते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।